हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सास किचन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ प्याज के लच्छेदार पकोड़े। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे बनेंगे, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इसे। प्याज के लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 3 प्याज ली हैं, तो इसको इस तरह से मैंने राउंड्स में कट कर लिया है। तो अब इसके हम छल्ले निकाल लेंगे इस तरह से। प्याज के छल्ले तैयार हैं, अब बैटर तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में 1 कप बेसन डाल लेंगे, 2 हरी मिर्च, हरा धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेंगे, ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। बैटर हमारा बन के रेडी है, इस तरह का होना चाहिए, देखिए। तो अब प्याज के छल्ले इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के पकौड़ों का देखिए बैटर और ये एकदम रेडी है, तो अब पकौड़े बना लेंगे। तो 4-4, 5-5 लच्छे इस तरह से हम करेंगे। तो इसे गरम तेल में डाल देंगे, पकौड़े एक साइड से सिकते ही हम इसे पलट देंगे। और दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए पकौड़े हमारे अच्छे से सिक गए हैं, तो प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्म गर्म प्याज के पकोड़े बनके हमारे तैयार है। बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।